देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 30 क्वेश्चन में क्या है आपका sin x + cos x / 9 + 16 sin 2x है। तो इसमें क्या करेंगे, जो तुमसे मैंने अभी आपको सिखाया था क्वेश्चन नंबर 28 में कि हम sin 2x में प्लस 1 और माइनस 1 करते हैं और फिर वो जिसका डिफरेंशियल होता है वो बनाते हैं हम नीचे, तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 से 3 पाई बाई 4 आ जाएगा sin x + cos x, लेकिन 1 प्लस और माइनस बहुत ध्यान से करना है हमें, ऐसे नहीं कि कहीं पे हम प्लस वन करते कहीं पे माइनस। ये 9 लिखा, प्लस का 16 लिखा, यहाँ लगाओ ब्रैकेट, यहाँ 1 प्लस करो 1 माइनस करो और यहाँ लिखो प्लस sin 2x। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूँ 1 से 1 तो वापसी 16 sin 2x आ जाएगा। 1 क्या करा प्लस करा, 1 क्या करा माइनस sin 2x, जो कंसेप्ट वहाँ अप्लाई करा था वही यहाँ अप्लाई करा है। 0 से कितना आ गया 5 बाई 4 sin x + cos x dx। अब इसमें क्या होगा अंदर 9 प्लस 16 बन जाए कितना आएगा 16, माइनस के कितना आएगा 16 sin 2x, ये हो जाएगा आपका 0 से लेके पाई बाई 4 sin x + cos x। गलती कर गए अभी हम थोड़ी सी, 9 प्लस 16 1 माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे 1 माइनस sin 2x, सॉरी जैसे भी पीछे क्वेश्चन में करा था ना वैसे ही करना है। फिर हो जाएगा आपका 9 प्लस 16 यहाँ के 1 माइनस साइन 1 को क्या लिखूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका 0 से लेके पाई बाई 4, यहाँ के आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, नीचे आ जाएगा 9 प्लस 16 बन जाए 16। इसको क्या लिखूंगा मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस के 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो आ जाएगा 0 से पाई बाई 4, तो आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। 9 प्लस 16 कितना आएगा 25, माइनस का 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब साइन एक्स माइनस 5 कॉस एक्स को क्या मानेंगे टी, लेकिन पहले 16 बाहर ले जाओ या बाद में ले जाना या अभी, तो आ जाएगा आपका 0 से लेके पाई बाई 4, 16 बाहर आएगा तो यहाँ पे 1 अपॉन 16 होगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, अपॉन आएगा 25 माइनस 16 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या मानेंगे इसे टी मानेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने टी मान लिया क्योंकि इसका डिफरेंशियल ये लगता, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स का प्लस साइन एक्स, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये जो इतना सारा मैंने किया है ये केवल इसी वजह से किया है कि ये जिसका डिफरेंशियल है वो बनाओ नीचे। अब लिमिट चेंज करूंगा, एक्स वैल्यू 0 है तो टी कितना आएगा साइन 0 माइनस के कॉस 0, साइन 0 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है, तो लिमिट आ गई माइनस 1, एक्स वैल्यू पुट करूंगा पाई बाई 4, टी इक्वल टू आ जाएगा साइन पाई बाई 4 माइनस के कॉस पाई बाई 4, 0 आ जाएगा कोई साइन पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 होता है, कॉस पाई बाई 4 भी कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो आगे 1 बाई 16, लिमिट आ गई 0 पे कितनी है माइनस 1 और पाई बाई 4 पे 0, ये आ गया डी टी अपॉन कितना आ गया 5 अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस के 1 टी का स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी पता कौन सी लगेगी, 1 अपॉन के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ के 1 अपॉन 16 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, 1 अपॉन 2 ए, ए कितना है 5 बाई 4 लॉग ए प्लस एक्स, ए कितना है 5 बाई 4 प्लस टी अपॉन 5 बाई 4 माइनस टी, लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस 1 से 0। अभी अगर पीछे से आंसर मैच करना तो भी ये बहुत डिफिकल्ट है, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ के 1 अपॉन फिर 2 से कट कर दो 2 8 जा 16 तो ये तो आ गया 1 अपॉन 40। अभी यह आ जाएगा आपका 5 प्लस 40 और 5 माइनस 40, ठीक है लिमिट है माइनस 1 से 0। तो इसे रब कर दूँ, देखो मैंने यहाँ तक क्या किया है, पहले मैंने प्लस 1 किया माइनस 1 किया, फिर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, फिर मैंने 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको टी मान लिया, उसका डिफरेंशियल ऊपर रखा था उसको मैंने लिमिट चेंज करी, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अब आएगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इसकी 0 है और लोअर लिमिट कितनी है माइनस 1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 40
वन अपॉन 40 log, जब मैं इसमें 0 अप्लाई करूंगा तो आएगा 5 प्लस 0 अपॉन 5 माइनस 0, ये तो हो गया अपर लिमिट, और log 5 अपॉन 5 हो जाएगा, उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस log, लोअर लिमिट को पुट करूंगा तो कितना आएगा 5 माइनस 1 4 अपॉन 5 प्लस 4, ये आ गया आपका 1 अपॉन 40 log, ये आ गया log 1 माइनस ये आ गया log 1 अपॉन 9, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये आ गया 1 अपॉन 40 log 1 0 हो गया माइनस log a अपॉन b कितना होता है log a माइनस log b, अच्छा log 9 1 की वैल्यू फिर 0 होगी तो आ जाएगा 1 अपॉन 40 log 9, तो आंसर आ गया आपका 1 अपॉन 40 log 9, आंसर चेक कर लीजिएगा इसका, आंसर ठीक है इसका, ठीक है। तो इसमें हमने ये क्या किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं 1 अपॉन 2 ए log a प्लस x अपॉन a माइनस, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 1 0 होता है log a अपॉन b log a माइनस log b log 1 0 का आंसर, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क में जो आपको खुद करना है, ठीक है।